कार्येषु योगी कर्णेषु दक्षा रूपे च कृष्णा समेतु रामा। आपके अंदर मुझे भगवान नजर आ रहे हैं। मुझे विवेकानंद जी नजर आ रहे हैं स्वामी। मुझे तो ये पकोड़े वाला नजर आ रहा है। बाप रे। क्या रे, टेंथ क्लास में मैंने तुझे आई लव यू बोला था, तूने जवाब दिया आई लव माई इंडिया। मैंने सोचा तू सुधर जाएगा, तेरा इंतजार किया। इंटर में विंटर सीजन में मैंने प्रपोज किया तो तूने कहा दुनिया की सारी लड़कियां मेरी बहन है। फिर भी मैंने वेट किया कि कभी तो तू मेरी फीलिंग समझेगा। फर्स्ट ईयर की डिग्री मिल गई पर तू नहीं मिला। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आहा, लाइफ के सारे वैलेंटाइन तेरी वजह से बेकार हो गए। और कुछ चाहिए क्या तुझे, बता ना। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, टुमारो विल कंटिन्यू द क्लास। मम्मी, बेटा उस लड़की को कभी भी मत छोड़ना। ऐसे पप्पू लोग ही हमारे फैमिली में मैच होते हैं। वो लड़की हमेशा मुझे किस करती रहती थी और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने संन्यास लेने का फैसला किया। विजय एकादशी को आप संन्यास लेने वाले? बहुत खुशी की बात है। मम्मी, मेरा राम ब्रह्मचारी बनने जा रहा है। बेटा शादी के बाद तो ब्रह्मचारी बनना ही है ना। अभी कुछ भी मत कहो तुम उससे, बाद में देख लेते हैं। मैडम, इसका बाप नहीं है ना, लाड़ से पाला है। आप हमेशा बोलती हैं बाप नहीं है, बाप नहीं है, गलत है। सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे मैडम। तुम्हें स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? रामायण में राम का दुश्मन रावण, जो कि उनकी पहुंच से कई कोस दूर था। कृष्ण का शत्रु कंस था, उनका सगा मामा, जो कि उसी शहर में था। पांडवों के शत्रु कौरव थे, एक ही परिवार, खून का रिश्ता। और मेरा शत्रु मेरे साथ है, आज मैं उसकी वजह से मरने जा रहा हूं। मैं अपनी वजह से मर रहा हूं, इस बात को लेकर आप लोग को डाउट होगा। अगर आपको फुल क्लैरिटी चाहिए तो आपको मेरी लाइफ के बारे में ए टू जेड पता चलना चाहिए। मेरी जिंदगी इसी थिएटर से शुरू हुई थी। जिस दिन हेलो ब्रदर रिलीज हुई, उसी दिन मैं भी धरती पर रिलीज हुआ। मेरे डैडी ने ये सोचा था कि ट्विंस होंगे, बट मेरी सोलो एंट्री पे मेरे डैड थोड़े डिप्रेशन में थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, अपने डैड को कंफ्यूज करता गया। मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। टीचर का बेटा होकर स्कूल नहीं जाएगा? ठीक है, चला टीवी देखते हैं। अरे स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे स्कूल जाना है। अभी तो कह रहा था पेट में दर्द है। अगर सीने में भी दर्द होता ना तो भी मैं छुट्टी नहीं करता। ए बी सी डी लिखने की उम्र में ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख रहा है। रियली? टेल मी, ए फॉर अमिताभ, बी फॉर बॉबी डियोल, सी फॉर चिरंजीवी। शट अप, डिसमिस, और तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। मेरे पिताजी की वजह से जॉब मिली थी और बेटे की वजह से चली गई। खा, दाल नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, मुझे तो चिकन चाहिए, चिकन। अरे चिकन दो ना उसे। बेचारे मुर्गे को मार डाला, बहुत गलत है ये माँ। मुझे चिकन नहीं, दाल चाहिए, दाल दे दो ना माँ।
क्या हुआ डॉक्टर साहब? कमाल हो गया। हाँ? आपका बेटा दो ब्रेन लेकर पैदा हुआ है। हाँ? मेरे बेटे के पास दो ब्रेन है? या हाँ? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ? मैं सही हाँ? बोल रहा हूँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए। जापान में एक ऐसा था जिसका नाम था अकीरा कोसायो। He was born with two brains. जकार्ता में एक लड़की थी जिसका नाम था जिन ग्रेन हत्ता, दो ब्रेन के साथ पैदा हुई थी। रिसेंटली दिल्ली में दो इंसान पैदा हुए हैं। They born with two hearts. दूसरा ब्रेन निकाल सकते हैं क्या डॉक्टर? अरे ये कोई सेफ्टी पिन है जो निकाल सकते हैं? ब्रेन है ये, उसे निकालने के लिए 35 लाख लगेंगे। मेरे नाम पर एक घर है जिसे बेचकर 30 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन बाकी के 5। तो सुनिए, एक काम करते हैं, आकाशवाणी में अनाउंसमेंट करवाते हैं, दूरदर्शन में एक चैरिटी शो करवाते हैं, वहाँ बात करेंगे, कोई तो पैसा डोनेट कर ही देगा ना? नहीं डॉक्टर, अगर बाहर के लोगों को ये बात पता चली तो मेरा बेटा म्यूजियम का पुतला बन जाएगा और एक बाप ऐसा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। हम चलते हैं। अच्छा डॉक्टर। हाँ बोलो प्रभु। ये बताइए मेरे बेटे का ब्रेन का चेंजओवर कब होगा? जब उसने कहा था कि स्कूल जाऊंगा और फिर जाने से मना कर दिया, उस दरमियान क्या क्या हुआ था वो बताओ। डॉक्टर, मेरे घर के बगल में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जहाँ से 5 वक्त नमाज पढ़ने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बदल जाता है। हाँ डॉक्टर, स्कूल की घंटी बजी और अचानक से वो बदल गया। That's it. जब कभी तेज तेज आवाजें आती है ना, तब नॉर्मल पर्सन भी जल्दी से इरिटेट हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो अजीब सा बर्ताव करने लगता है। लेकिन ये एबनॉर्मल बच्चा है, जब कभी ये तेज आवाज सुनता है, ब्रेन के अंदर फ्लक्चुएशन पैदा होने लग जाती है, एक ब्रेन ऑफ होकर दूसरा ब्रेन ऑन हो जाता है, ऐसी दूसरी तेज आवाज सुनकर दूसरा ब्रेन ऑफ होकर पहला ब्रेन ऑन हो जाता है। डैडी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, बदल गया। यस, इस ब्रेन में जो कुछ भी स्टोर्ड है वो इस ब्रेन को पता नहीं है, और ठीक ऐसे ही जो इसमें स्टोर्ड है वो इस ब्रेन को नहीं पता। डैडी, आप कंपाउंडर से क्यों बात कर रहे हैं? अरे बाप रे बाप, कंपाउंडर बोला मुझे। चलता हूँ डॉक्टर, आ जाओ बेटा। प्रभु भाई, बच्चे का नाम क्या है? अभिराम। नो, अभी राम। अगर आप दुनिया वालों को इसके पास दो ब्रेन है ये बताते हो या नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके दो ब्रेन हैं ये बात इसको बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हर बार इसे ये बताओगे कि इसके दो ब्रेन हैं तो ये मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा। डैडी, मेरे टीचर मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे मेरे पास दिमाग नहीं है। ऐसा कहने वाला वो कौन होता है? तेरे पास दो दिमाग है, इसीलिए हमने उसका दो भाग करके तेरा नाम अभी और राम रखा है, मतलब ये हुआ कि तू अभी है। अभी बेटा, तेरे पास दो ब्रेन। पता है डैडी, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यही कहा था ना। कमाल है, आइंस्टाइन जैसा ब्रेन है जी। हाँ डैडी, मेरा नाम राम है। राम? तेरी ऐसी की तैसी। अरे बाप रे, फिर ब्रेन शिफ्ट हो गया, मतलब घर शिफ्ट। हम कहाँ जा रहे हैं डैडी? पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इस समय ये अभी है या राम। ये बताओ, चंद्रमा के ऊपर पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। अच्छी बात है, इसका मतलब ये राम है। मुझे कुर्ता और पैजामा पसंद है। क्या बात है। अच्छा राम, जब तू है तो तू अपनी पसंद के कपड़े पहन ले, जब अभी है तो अभी के कपड़े पहन ले। मुझे जीन्स पसंद है। ओहो, दोनों की पसंद एक जैसी हो गई। मुझे जॉनी लीवर की कॉमेडी बहुत पसंद है। अच्छी बात है राम, तुझे जो देखना है देख ले। मुझे कॉमेडी पसंद नहीं है। अरे बाप रे बाप, इन दोनों के बीच में मैं मर जाऊंगा। डैडी, आज मैंने एक लड़की को आई लव यू बोला। बेटा, इस बारे में अपने डैडी को नहीं अपने भाई को बताना चाहिए, तेरे साथ ही रहता है ना वो। उधर देख, ब्लैक बोर्ड पर लिख कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, किससे बातें कर रहा है, सारी बातें ब्लैक बोर्ड पर लिख दे, राम जब आएगा तो देख लेगा। मैंने पिंकी को आई लव यू बोला। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा फ्लर्ट बनेगा। मैंने पिंकी से राखी बंधवा ली। ओह, इतनी जल्दी दिमाग बदल गया। I
आई लव स्पोर्ट्स। ये क्रिकेटर बनेगा। आई लव स्टडी। ये तो बहुत बड़ा आइंस्टाइन बनने वाला है। ये क्या, आजकल आप दोनों ब्लैक बोर्ड पर कुछ ज्यादा ही लिख रहे हो। अरे पागल, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, इसीलिए मैंने बोर्ड खरीद कर दिया है। राम के ब्रेन में क्या चल रहा है वो सेल्फी खींच कर अभी को भेजेगा, और अभी के ब्रेन में क्या चल रहा है वो सेल्फी लेकर राम को भेजेगा। अब देखना कितना मजा आता है। कैसा रहा मेरा आइडिया? सिटी को साउंड पोल्यूशन से दूर रखने के लिए पूरी दुनिया जागरूक हो रही है, जिसके लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं, और इसी सिटी में मेरा साउंड प्रूफ घर। मेरे घर में मेरी माँ पूजा भी बगैर साउंड के करती हैं, और मेरे पिताजी बगैर साउंड के गानों को खूब एंजॉय करते हैं, और मेरे घर की डोरबेल भी बगैर साउंड की है। घर पे राम जी हैं क्या? पंडित जी ने आपके लिए प्रसाद भिजवाया है। हर घर में आपके बेटे जैसा एक बेटा होना चाहिए। ओए! ऐसा बेटा पैदा किया तूने, ऐसा गुंडा बेटा किसी के घर में नहीं होना चाहिए। मेरी बहन के साथ उसने इसकी बहन की शादी करवा दी। लड़की से लड़की की शादी कैसे हो सकती है? मार डालेंगे। अरे प्रभा, राम उठा है कि अभी उठा है? उसके रूम से तो धुआं निकल रहा है। कमरे का धुआं अगर धूप बत्ती का है तो वो राम है, और अगर सिगरेट का है तो वो अभी है। अरे ये क्या, तूने तो इसकी मूंछें निकाल दी। पूरी इंडिया में मूंछें सिर्फ नत्थूलाल की ही मशहूर हैं। ओ डैडी, लास्ट पंच बोलिए ना। ए, मैंने अपने बेटे को हॉर्लिक्स या बूस्ट पिलाकर बड़ा नहीं किया, हिम्मत का डोज देकर बड़ा किया है। या ओके, उसकी ब्रश, इसकी ब्रश, कुछ पल्ले पड़ा, इसका साबुन अलग, उसका साबुन अलग, अब समझ में आया? पर शरीर से ये दोनों एक ही हैं। आपको ये बात कब समझ में आएगी? अरे पागल है ना ये। बॉडी ही नहीं, हमने रूम भी शेयर कर लिया है। उसकी अलग लाइफस्टाइल, मेरी अलग लाइफस्टाइल। अरे ये तेरा मेरा रूम क्या होता है? Hey, मुझे आज तक नहीं समझ आया, ये लाइफ मेरी है, ये रूम मेरा है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? चश्मिश कहीं का। आज मेरे प्रोग्राम्स की लिस्ट लंबी है, आज मैं तुझे बाहर नहीं आने दूंगा। ईयरपॉड्स। ये क्या नाटक है तुम्हारा? राम ने मुझे अपना टाइम टेबल दिया था, ऑफिस से फ्री होने के बाद उसे प्रवचन में जाना है। फिर अभी के प्रोग्राम का क्या होगा? चेंज, चेंज, चेंज। राम सर, कमाल हो गया सर, आपने जो शेयर खरीदने को बोला था उस शेयर के रेट बढ़ते जा रहे हैं सर। सर आपने जो शेयर खरीदे हैं उनके भी रेट बढ़ते ही जा रहे हैं सर। रात को 9:30 बजे फोन करके तूने हमको बुलाया था। अरे अभी वो गुंडे इन लड़कियों को टीज कर करके बहुत परेशान कर रहे हैं। क्यों बे, हमारे बजट में लाख रुपए का आईफोन आएगा क्या? 1000 रुपए के अंदर चाइना वाले सेम क्वालिटी देते हैं, और तुमने चाइना की लड़कियों की बेइज्जती की। गलती कर दी तुमने, कल आ जाओ देखता हूँ तुम्हें। आई लव चाइना, आई हेट चाइना। ये चाइना के सामानों की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बट लड़कियों की बेइज्जती करना गलत बात है। I will call the C team. C team क्या होता है?
मतलब नो मारपीट। अरे झगड़ा क्यों करना दोस्तों, अहिंसा परमो धर्मा। झगड़ा करने से तुम्हें क्या हासिल होगा दोस्तों? सब कुछ चेंज हो गया है। चुप कर। तुम सब यहाँ लड़कियों को छेड़ने के लिए आए थे ना, बिना छेड़े क्यों जा रहे हो? तुमने झगड़ा करने से मना किया था ना? ए, अगर एक बार मैंने फाइट के लिए सोच लिया तो जब तक मैं किसी की धुलाई नहीं करता मुझे चैन नहीं आता। हमारे साथ चीटिंग करता है क्या? हम बहुत खतरनाक लोग हैं, तू बचकर नहीं जा पाएगा, काट के फेंक देंगे। इनके साथ 2020 खेलना ही पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट के जमाने में टाइपराइटर से कोई टाइपिंग करता है क्या? चलो फेस टू फेस बात कर लेते हैं। प्यारे नरसिम्हा रेड्डी जी, मेरे दादाजी 1000 वोट से हार गए और मेरे पिताजी 1 वोट से हार गए। उनका बैड लक था। आज मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा हूँ और ऐसे टाइम पर आप जो हैं कि मुझे विलेन बनाकर अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में आर्टिकल प्रिपेयर कर रहे हैं। गुंडागर्दी मेरी पहली बीवी थी, बोर हो गया था उससे। राजनीति मेरी दूसरी बीवी है, हासिल करना चाहता हूँ, असेंबली में शपथ लेना चाहता हूँ। सृजना, लगता है इसके कानपुर में हड़ताल चल रहा है। हाय बेटा। तेरी बेटी आज बच गई नरसिम्हा रेड्डी, आगे से ऐसी गलती मत करना। प्लास्टिक का धंधा करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा विलन बन गया? जानता है इसकी उम्र कितनी है? पूरे 100 साल। अपने आर्टिकल को इस प्लास्टिक से कवर कर। याद रखो मेरे भाई, पृथ्वी सूर्य के आगे पीछे घूमती है और पृथ्वी पर इंसान वहम और डर के आगे पीछे घूमता है। भारत में शेरों की जनसंख्या खत्म हो रही है, ये सोचकर जनता बहुत दुखी है। डोंट डिस्टर्ब लायंस, ये पूरा सिटी मेरा फॉरेस्ट है और मैं यहाँ का किंग हूँ। पापा, आपकी बहुत बड़ी मूर्ति बिठाने का प्लान था, लेकिन मेरे पिता शंकर राव जी ने, आपके पिताजी का भी नाम है, पैसे नहीं दिए, इसलिए आपको इतने में एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट तो कर लेंगे ना।
तू क्या कर रहा है तुझे पता है ना? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना? एक कूड़े वाली से प्यार करेगा तू? मेरी आंखों से देखना यार। तेरी तो ये हार्ट में लॉग इन हो गई है, यही तुम्हारी भाभी है। सुनिए जी, डाल दो ना। हाँ हाँ डाल दो। ए, धक्का तो दो। अरे बाप रे, हैप्पी ना? हाँ बेटी। माय नेम इज हैप्पी। हैप्पी नाम है? हैप्पी, अब तू भी हैप्पी है ना? इंसान को 12 महीने 24 घंटे इंसान की तरह जीना चाहिए, लेकिन कम से कम एक घंटा मदर टेरेसा की तरह जीना चाहिए। आई एम वन आवर मदर टेरेसा। क्या बात है। नमस्ते, लेट्स गो। अब क्या बोलती हो नैना, अभी सर की लवर बन सकती है ना ये? गुरु है माँ, गुरु पिता है, बाप को दूसरे नंबर पर क्यों रखा मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मैं पहले नंबर पर आऊंगा। जय पितेश्वराय नमः, जय हो। बाप के सिगार पीने का टाइम हो गया। सुप्रभात पिताश्री। अरे बाप रे, हम तुम्हारे जैसे खतरनाक आदमी के बाप कैसे हो सकते हैं? सिगार पीजिए पिताजी। पीना पड़ेगा। पीना ही पड़ेगा, उसके पिताजी की आंखें तुमको दी गई हैं, वो तुम में अपने पिताजी को देख रहा है। अगर तुमने अभी सिगार नहीं पिया ना, तो उसको लगेगा कि तुम उसके पिता का अपमान कर रहे हो, फिर वो तुमको मार भी सकता है। आज तक ससुराम बीड़ी सिगरेट छुए तक नहीं, इस सिगार पिला रहा है। पिताजी के लिए ब्रेकफास्ट जल्दी तैयार करो। दे नागराज, ये सब कैसा खाना है यार? अरे आदमी के खाने वास्ते पूरी तरकारी जलेबी रखो यार। अरे हम प्योर वेजिटेरियन है, धर्म नष्ट करवाओगे का? अरे भाई चुप रहो और खा लो। पिताजी आपकी गर्लफ्रेंड्स आई है। ए, पिताजी मिनरल वाटर नहीं पीते हैं। तो क्या पीते हैं? ससुर जी पीजिए ना। अरे पगला गई हो क्या जी, हम ससुर दिख रहे हैं। अरे का खिला पिला रही है हमको? खाइए ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड सृजना और हमारी गर्लफ्रेंड ताडिका। छी, आपकी आंखें हर चीज को कैप्चर कर रही हैं। आपका टेस्ट बहुत टेस्टी है डैडी। अरे काहे का टेस्ट? हाय राम। मुझे तुम्हारा पूरा बायोपिक पता है, मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे ना? सॉरी, मैं लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं करता। एक्सक्यूज मी, आप अभी की शराब छुड़वा दीजिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आई मीन मेरी हेल्थ के लिए। संतात्मा। अरे राजा बाबू की गोविंदा की तरह कितने भेष बदल रही है। सन की कही की अगर तुमसे शादी की ना, तो सिर्फ एक घंटा घर गृहस्थी में बिताएगी। हाय डूड। अरे 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 अरे, ये सब क्या है? अरे ये हमारे घर का होम थिएटर नहीं है, पब्लिक सिनेमा का थिएटर है और मैं इसका मैनेजर हूँ। ये बता, मैंने जिसे देखा था ये वही है ना? वो फेसबुक फ्रेंड थी। और परसों? इंस्टाग्राम फ्रेंड थी। और आज? ट्विटर फ्रेंड। ये बता, तू जो स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे मांगता है, कहीं इन्हीं सब पर लाकर तो नहीं खर्च करता है? चक्कर क्या है? अब हैप्पी फादर्स डे डैड, गिव मी अ फ्लाइंग हग। ए गधे बैठ, आज फादर्स डे कहाँ है? जिसके फादर होते हैं उसके लिए रोज फादर्स डे होता है, ये किसने बोला था? किसी ने बोला था क्या? चलिए निकालिए निकालिए, पैसे निकालिए। अभी सर को प्यार हो गया, बताओ ना यार इन्हें। एक बार लड़की के प्यार में इंसान पड़ गया ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। राम को ये बात पता है क्या? जो भी मैटर होता है मैं पहले डैडी को बताता हूँ। पहले मैं तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? तू जरा स्क्रीन की तरफ देख। पिताजी। बोलना। मैंने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो क्या है? आपको सुन के आश्चर्य होगा, इस दुनिया में 100 में से 90 लोग शादी करके फंस चुके हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, और जो 10% लोग बचे उनमें से अब्दुल कलाम बन गए, रतन टाटा बन गए, वाजपेयी बन गए, योगी आदित्यनाथ बन गए, मैं भी उनमें से एक बनना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तो गौतम बुद्ध बन गए, नरेंद्र ने घर छोड़ा तो विवेकानंद बन गए। तो मैंने ये सोचा है पिताजी, मैं हिमालय पे चला जाता हूँ, वहाँ गुरुकुल स्थापित करूँगा, अपना जीवन अध्यात्म की सेवा में गुजारूंगा,
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सन्यासी बनूंगा पिताजी। आशीर्वाद दीजिए। विजयलक्ष्मी ने घर छोड़ा तो सिल्क स्मिता बन गई, करणजीत कौर ने घर छोड़ा तो सनी लियोन बन गई। इस तरह के घटिया लॉजिक्स आप मुझे मत दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ ब्रेन उसका है, टोटल बॉडी मेरी है। अरे इसकी ऐसी की तैसी, अभी बताता हूँ मैं। ए राम, ब्रह्मचारी बन के जीना कोई जीना है क्या यार? मेरी गर्लफ्रेंड रोज एक घंटे के लिए मदर टेरेसा बन जाती है। प्रेम में ढाई अक्षर होते हैं और जीवन में तीन अक्षर होते हैं मेरे भाई। देख मेरी बात सुन, तू मेरा प्यारा भाई है, मैं जानता हूँ तू मेरी बात मानेगा। तू मेरी बात सुन, ब्रह्मचर्य का पालन कर मेरे भाई, हमारे लिए अच्छा रहेगा। अबे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डैडी देखो ना फ्रेंड, वो नहीं बदलने वाला। तो फिर जाने देना, हम उसी की बात मान लेते हैं। उसकी बात मान लेते हैं? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? बचपन से ही क्रिकेट मेरी जान है, लेकिन वो मुझे क्रिकेट से दूर करता है। सर 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 सर, रणजी खेलने के लिए मेरा नाम सेलेक्ट हुआ क्या सर? सॉरी अभिराम, वैसे तू खेलता तो कमाल का है, जो खेल हारने वाले हैं उसे भी तू जीता देता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, अक्सर तो तू जीते हुए मैच को भी हरा देता है। तुम में कुछ प्रॉब्लम तो है, यू आर अनफिट फॉर क्रिकेट। सॉरी सर, अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो उसे चेस पसंद है, मुझे फिल्म पसंद है तो उसे स्टडी पसंद है, अब मुझे प्यार हुआ है तो उसे ब्रह्मचारी बनना है। मैं उसका मॉडल कर दूंगा। ये सब चल क्या रहा है? दुनिया में अक्सर लोगों के दुश्मन बाहर होते हैं, पर ये तो खुद का ही दुश्मन बनता जा रहा है, जिसका मुझे डर लग रहा है। वो अलग तरीके से सोच रहा है और ये अलग तरीके से सोच रहा है, पता नहीं इन दोनों की सोच कब एक होगी। मेरे बाप को जो डर था वो सच हुआ, आज वो ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम आंखें बंद करके किसी के बारे में सोचते हैं तो जो कुछ भी हमें दिखता है वही हमारा फेवरेट होता है। आप सब आंखें बंद कर लीजिए। हे प्रभु, मेरी बेटी ही मेरी फेवरेट है। यस, चिरंजीवी मेरा फेवरेट, यही मेरी फेवरेट है। तू भले ही मेरा पीछा करना छोड़ दे, लेकिन जब तक मेरे सीने में जान है तुझे भगा भगा के मारूंगा। यस, जूनियर एनटीआर ही मेरा फेवरेट है। प्रभास मेरे फेवरेट है। महेश बाबू मेरे फेवरेट है। छोटा भीम मेरा फेवरेट है। हाय अंकल। मेरा फ्यूचर दामाद ट्राइकोलॉजिस्ट और वेंट्रिकुलर स्पेशलिस्ट, मतलब ये तय है कि अब कमाई ही कमाई होगी। बेटा यू आर 99% सेलेक्टेड, कांग्रेचुलेशंस। हे, व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा एलिमेंट? देखिए अंकल, ऋतिक रोशन की तरह मेरे भी हाथ में 6 उंगलियां हैं। यू आर रिजेक्टेड। यस यू आर रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारे एक्स्ट्रा फिंगर है। व्हाट? मेरी बेटी को कोई भी एक्स्ट्रा चीज या किसी भी चीज की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हर अंग परफेक्ट होना चाहिए। अगर किसी आदमी के कोई एक्स्ट्रा अंग है तो इसकी शादी उससे नहीं होगी, हमारी डॉक्टर फैमिली ने मिलकर यही डिसाइड किया है ना। अरे बेटा, ये पीने की आदत तूने मुझे क्यों लगा दी? अगर आपको पीने की आदत नहीं होती ना तो आप मेरे क्लास के नहीं होते, इसीलिए मैंने आपको पीने की आदत लगाई, जिससे मैं दारू लेके आऊँ तो आप सोडा लेके आओ। तू सही कह रहा है, पीकर बाहर गए तो ड्रंक एंड ड्राइव में पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए घर ही सेफ है। आज दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री जी ने ध्वजारोहण किया। सर सर, हम भी ध्वजारोहण कर देते हैं। तेरा नाम क्या है? पंकज सर। पंकज नहीं रे, पंकजम। पिछले जन्म में तू मेरी कीप थी पंकजम। चल झंडा फहराते हैं। दारू पीकर तू झंडा फहराता है? कोई
कोई मुझे पॉइंट आउट करे तो मैं उसका हैंड आउट कर देता हूं। साउंड पोल्यूशन, बॉडी को निकाल। तुमने शरबत पीकर झंडा नहीं फहराया है, तुमने दारू पीकर झंडा फहराया है। नो टिकट। पार्टी टिकट की बात कर रहे थे तुम ऑफिस में घुस भी नहीं सकते। सब तेरी वजह से। तू पंकजम नहीं, पंकज है। तू मेरा कीप नहीं, मेरा स्क्रैप है। तेरे घटिया आइडिया से मेरा सपना बिखर गया, चूर चूर हो गया। अब मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। पिताजी, कोई भी पार्टी मुझे टिकट देने से साफ मना कर रही है। अरे ब्राह्मण आदमी का श्राप खाली नहीं जागा रहे। गगन बिहारी के शराब पी के झंडा फहराने की वजह से पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। जनता में आक्रोश है और उनकी मांग है कि इसे देश से बाहर निकाला जाए। हर जगह उसके पुतलों में आग भी लगाई जा रही है। इससे देश की जनता में आक्रोश फैल गया है। लोग गगन बिहारी के पुतले और उनकी फोटोज जला रहे हैं। शराब पीकर राष्ट्रीय झंडा लहराने की वजह से गगन बिहारी को शहर से बाहर निकाला जा रहा है। ए पिताजी, मुझे नगर बहिष्कार किया जा रहा है। बस नगर बहिष्कार, तुमको तो साला देश से बहिष्कार कर देना चाहिए। अरे जाते जाते रात करेगा का? मिस यू पापा। अबे काहे का पापा? अरे अब तो हम नाचेंगे। भगवान श्री राम भी अपने पिताजी को छोड़कर वन में चले गए थे, लेकिन मैं अपने बाप को नहीं छोड़ने वाला। हैप्पी। हैप्पी हैप्पी लवर्स डे। क्या लवर्स डे? पर आज तो लवर्स डे है ही नहीं। प्यार करने वालों के लिए हर दिन लवर्स डे होता है। चलो दिखा देता हूँ। वैसे तुम्हारी लवर है कौन? हैप्पी। कौन मैं? नाम तो तुम्हारा हैप्पी है, तुम्हें हैप्पी मैं रखूंगा। फ्लाइंग हग दे रहा हूँ तुम्हें, ले लो। या इस वक्त तुम्हारा फिगर 36 26 36। इन फ्यूचर 42 32 42। उसके बाद भी तुम्हारे लिए मेरा ये प्यार एक इंच भी कम नहीं होगा। ए, लव एट फर्स्ट साइट को मैं नहीं मानती हूँ। लव एट फर्स्ट साइट नहीं मानती क्या? बेब्स, बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले किसे देखता है? माँ को। तो इसलिए वो बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। सो ये लव लाइफ लॉन्ग होता है। तो फिर ये लव एट फर्स्ट साइट की फिजिक्स केमिस्ट्री तुम क्यों नहीं समझती? सॉरी, मुझे लव में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हेलो हैप्पी, प्यार को जो नहीं मानता वो इंसान नहीं होता, ये किसने कहा था? मदर टेरेसा। और वो तुम्हारी आइडियल है ना? नहीं दीदी, ऐसा मत करना। यस, आई एम वन आवर मदर टेरेसा। अच्छा, मैं वन आवर प्यार करूंगी। इस वन आवर प्यार को अपने हार्ट में फिक्स डिपॉजिट कर लो। अपने हार्ट पे मेरा नाम हमेशा के लिए लिख लो। हाँ हाँ। शादी के बाद अपने वाइफ के साथ फर्स्ट नाइट पे चिटचैट तो करोगे ना? तब बताना हैप्पी मतलब मिस यूनिवर्स ने वन आवर लव किया था मेरे साथ। अच्छा, अगर तुम्हें लड़की हुई तो उस लड़की का नाम हैप्पी मतलब मेरे नाम से रखना। क्यों जी, हैप्पी? मतलब मैडम जी सिर्फ एक घंटा ही प्यार करेंगी? हाँ यस, वन आवर। और ये वन आवर लाइफ लॉन्ग तो हो सकता है ना? एग्जैक्टली। अच्छा तो ठीक है, इस वन आवर के प्लान में स्मॉल सा चेंज है। वन आवर के लिए रूम बुक करूंगा। मतलब? एसी 18 पे रहेगा। हाँ, फिर? लाइट भी ऑफ कर दूंगा। और फिर? ओए, क्या रे तुम लोगों का नाटक है? हाँ, तू क्या एक घंटा प्यार करने की बात कर रही है? तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, समझी ना? गुस्सा आया ना तो कुछ भी कर देगा। तैयार रहना हैप्पी। ज्यादा नाटक मत कर वरना मैं तेरे बारे में हेमा को बता दूंगी। हेमा? वो कौन है? हेमा, डॉक्टर हेमा। बताओ बेटी,
तुमको क्या प्रॉब्लम है? मुझे सरप्राइज पसंद है डॉक्टर। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसे सरप्राइज कर दिया, घर में बताऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या आप कम कर सकते हैं डॉक्टर? अरे ये हेमा, इसे घुमाकर कुछ भी कम कर सकता है। अरे परसों तो मैंने इससे ट्रंप का बुखार कम कर दिया था। हाँ? एक चैनल के लाइव शो की मैंने इससे आवाज बंद कर दी थी। अच्छा बताओ कौन सा महीना है? सातवां महीना चल रहा है। जरा आप देख कर बताओ। सरप्राइज, पांचवा महीना हो गया डॉक्टर। अच्छा अब बताओ। सरप्राइज, तीसरे महीने पर डॉक्टर। अब बताओ कितने महीने कम हो गए? सरप्राइज, साइज जीरो। That is डॉक्टर हेमा। इसे घुमाकर मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। कट इट, शॉट। ओके पापा। कैसा रहा हमारा एड? बहुत ही अच्छा पापा, सुपर। आपने सच में बहुत अच्छा किया पापा। ये आपकी बेटी है? अरे ये मेरी बेटी नहीं है। ये सुनो, तू प्यार से मुझे पापा पापा कहती है ना, तो सब लोग समझेंगे कि तू सच में मेरी बेटी है। अब ऐसा नहीं बोलना। ठीक है पापा। ठीक है, जैसे राहुल द्रविड़ रन आउट नहीं होता है, उसी तरह हमारा एड हर थिएटर में दिखना चाहिए, जिससे पेशेंट हमारे क्लिनिक में आए। ओके पापा। Happy क्यों फोन कर रही है? मामा जी, I'm unhappy. मतलब क्या सच में तुम्हें मतलब नहीं पता है या ऐसे ही पूछा? सच में नहीं पता मुझे। मतलब तुम्हें हमारी हैप्पी से प्यार नहीं है? अच्छा, तो ये अभी नहीं किया होगा। ये भारत देश मेरी मातृभूमि है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। आई लव इंडिया ओनली, नॉट हैप्पी। हाँ राम, इस महीने की 15 तारीख को आप मोहमाया का त्याग करके सन्यासी जीवन स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। ये तो संन्यास ले रहा है। लड़का बहुत अच्छा है पापा। चुप हो जा। आपकी बेटी को समझ आ गया लेकिन आपको नहीं। अरे मेरी बेटी नहीं है ये। पापा मुंह बंद कर। तुम सच में सन्यासी बनने वाले हो? शादी नहीं हुई इसलिए वास्को डिगामा ने महान भारत की खोज कर ली। अगर शादी होती तो घर से निकलते वक्त उनकी पत्नी बोलती, सुनिए जी कहाँ जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, कब आओगे, रात को क्या बनाऊं, ऐसे हजारों सवाल पूछ लेती। गुस्से में आकर वास्को डिगामा अगर रुक जाते तो ही वुड नॉट हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। अरे वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी हैप्पी कभी झूठ नहीं बोलती। जरूर तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ खोट है। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हनुमान जैसे हैं। माँ भी कहेगा। तुम नीच हो, चला जा यहाँ से। हैप्पी। जहाँ तक मैं उसको समझ पा रहा हूँ, उसकी नजर में दुनिया की हर लड़की माँ है। मामा जी, हाँ? ट्रंप एक पत्नी व्रता पति है आई बिलीव, लेकिन वो एक रोग है। अब आवाज कहाँ से आई? हाय। रूम बुक करने की पूरी तैयारी करके आया हूँ, देख लो। पकड़ना जरा। ए ए, तुम तो सन्यासी बनने वाले थे। ए, अबे कौन है तू? तुझे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम देख रहा है तू मुझे? हाँ। बोला था ना मामा जी, ये बहुत ही डेंजरस है। मैं उससे ज्यादा डेंजरस हूँ। चलो आ जा। हैप्पी। रुक जा। मैं तुझे नहीं दिख रहा। सॉरी सर। मैंने टी शर्ट पहनी है लेकिन मैं टिफिन बॉक्स में बंद बॉम्ब की तरह हूँ। बात कर रहे हैं? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो उसे कंट्रोल करने के लिए 6 कंट्री की आर्मी भी कम पड़ जाएगी। सर, 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 सर। मर्डर करना मेरे लिए मैगी और नूडल से ज्यादा इजी है। देखना चाहता है तू? सिक्स पैक नहीं, 6 ग्लास पीता हूँ मैं। सिक्स पैक और दिखता नहीं। अगर तू पीछा करेगा तो तुझे धमकाऊंगा और अगर छुएगा तो तुझे काट डालूंगा। ओवर। सर 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 प्लीज सर सर। बस यही यही डर तू मेंटेन रखना। मेंटेनेंस चार्जेस तो नहीं लेंगे ना सर? तो चलिए एक डील करते हैं। कैसी डील? जब तक आप हैप्पी को टच नहीं करेंगे तब तक मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसे कभी टच नहीं करूंगा। नेवर। ये डील मेरे लिए ओके? ओके। हाँ। मेरे लिए नॉट ओके। ये सिटी मेरा फॉरेस्ट है और मैं इसका किंग हूँ। ये सिटी हमारा फॉरेस्ट है और हम इसका किंग है, ये बोला था। ये खुद जंगल में आ गए जियो से। मां, मुझे मेरी सिटी से ही बाहर निकाल दिया। Don't cry, darling. भाई अभी अभी दूसरे शहर से भी निकलने का नोटिस आ गया है। भाई मैंने भूखे शेरों को बुला लिया है। क्या बात है गगन भाई, तुमने मुझको बुलाया? ए, दारू पीकर तू झंडा फहराता है? उसके बाद पता नहीं कौन था वो, मेरे झंडा फहराते ही उसने वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। मुझे और मेरी 3 जनरेशन ड्रीम को खत्म कर दिया और मुझे नगर बहिष्कार कर दिया। उसकी वजह से मेरा असेंबली मिस हो गया।
देख लिया ना कैसे मारा इसे। अब जिसने मेरा वीडियो निकाल कर वायरल किया और जो भी उसे मारेगा मैं उसे MLA बनाऊंगा, MP बनाऊंगा, मिनिस्टर बनाऊंगा। ओपन ऑफर। मैं प्रभास सिंह साहू शिक्षा मंत्री की शपथ लेता हूँ। मैं वेंकटेश मंत्री पद की शपथ लेता हूँ। मैं गीता सिंह खाद्य मंत्री पद की शपथ लेती हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्टर के पद की शपथ लेता हूँ। हम उसको मार देंगे भाई। इस शेर को गुस्सा आया है, अब ये अपने शिकार को भगा भगा कर तड़पा तड़पा कर मारेगा। समाचार सुनाने वाला है आपका प्यारा अभी, और समाचार सुनने वाला है हमारा प्यारा हेमा। तो आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है कि प्यारे हेमा जी की वाइफ मेरे साथ यानी सबके प्यारे अभी के साथ नैन मटक्का करने वाली है प्यार से। मेरी वाइफ से नैन मटक्का? तेरे कदमों में सारी दुनिया, बस मुझे यही चाहिए। तेरे कदमों में सारी दुनिया, बस मुझे यही चाहिए। और बता तुझे क्या चाहिए? कपड़े सीने की मशीन, एक आम का पेड़, एक लोटा, बीड़ी का बंडल और एक चारपाई, उस पर बिस्तर और साथ में एक रजाई। अरे क्या बात करी तू इसे? बाबू ने मुझसे कहा कि वो मुझे 90% डिस्काउंट दिलाएगा। क्या ये कोई ऑफर देगा तो ये पति को बदल देगी? लेडीज ऐसी ही होती है पापा। अबे अरे यार तू मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ गया? काफी सोचने के बाद मुझे पता चला कि अगर किसी लड़की के पीछे पड़ते हैं तो उसके पापा, भाई, घर वाले, बॉयफ्रेंड, यहाँ तक कि पड़ोसी भी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। गर्लफ्रेंड की जगह आंटी को पटाया ना, और आंटी ने हस्बैंड को, तो इस तरह की कोई परेशानी ही नहीं होती है। हाउस द आइडिया। आज मैं इस किताब की कसम खा के कहता हूँ, हर नौजवान की जिंदगी में एक आंटी होनी चाहिए, होनी चाहिए, आंटी होनी चाहिए, आंटी होनी चाहिए, आंटी होनी चाहिए। आंटी लॉन्ड्री है, आंटी मोहब्बत है, आंटी फैंसी शॉप है, आंटी जनरल स्टोर है, आंटी मिठाई की दुकान है। चुप करना। तो आज का ज्ञान इस प्रकार है कि आ से अम्मा होता है और आ से ही आंटी होती है। अम्मा तो थोड़ा सिखा पाती है लेकिन आंटी सब कुछ सिखाती है। मुझे हमेशा से डाउट रहा है, इन लेखकों ने लड़कियों की तो तारीफ की लेकिन आंटियों को भूल गए। आज की ये लड़कियां कल की आंटी होंगी। अप्सरा सी दिखने वाली आंटियों को लोगों ने यहाँ पे रसोई की बाई बना दिया है। घुट घुट के जी रही, घुट घुट के जी रही है बेचारी। हे भगवान, ये सब तुम जैसों की वजह से। बेटा मैं ऑल इंडिया आंटी संघ की अध्यक्ष होने के नाते वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करूँगी। थैंक यू आंटी। देखती हूँ कौन तुम्हें अलग करता है। आप सभी आंटी लोगों को नमस्कार। अब आप लोग ही इससे बोलिए कि ये लड़का मेरी पत्नी को छोड़ दे, मैं वादा करता हूँ 3 जगहों की जायदाद पत्नी के नाम कर दूंगा। प्लीज। बिल्कुल नहीं, अब इनकी शादी होकर रहेगी। अभी तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरी बात मेरी समझ में आ गई। तूने सारी आंटियों को अपने साथ मिला लिया है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मेरी बीवी को मेरे हवाले करके हैप्पी के ही पीछे लग जा। अरे इसी बीच तुमने शॉपिंग भी कर ली, तुम औरतों में ये टैलेंट कमाल का। बेबी आ जा। ऑल द बेस्ट। रियली ओके बाय। हाय हैप्पी। आई एम वन आवर मदर टेरेसा, तो 1 घंटे प्यार करूंगी। ओहो, सिर्फ 1 घंटे में तुम मुझे समझ कैसे पाओगी? 1 मंथ ट्रेवल करो मेरे साथ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कट कर देना। सोचती हूँ, टच में रहना। ओहो, लेट्स गो। मेरा प्यार मेरे करीब आ रहा था लेकिन करीब आने से पहले ही उसने संन्यास ले लिया। Hmm.
आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है? जल्दबाजी? अरे बालक, तुम तो अभी सन्यासी बनने वाले हो ना? ओ, और फिर उसके बाद? और फिर उसके बाद कल सुबह तुम हिमालय के मानसरोवर की गोद तक पैदल जाओगे। सारी व्यवस्था हो गई है, इसे देना। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। सवाल तो कोई भी मुझसे पूछ सकता है, बोलो क्या पूछना है? भगवान ने आपको आंखें क्यों दी? देखने के लिए। राइट। और मुंह क्यों बोलो? बात करने के लिए। एग्जैक्टली। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान हमें हर चीज उपयोग के लिए देते हैं, बिना उपयोग के कोई चीज नहीं देते। गॉट इट? सो भगवान के कितने सारी बीवियां और कितने सारे बच्चे थे, तो हम सन्यासी क्यों बने बोलो? कितने प्रवचन करने वाले बाबाओं की शादियां हो चुकी हैं और आप लोग सन्यासी बनकर ब्रह्मचर्य का पालन करने जा रहे हो? नहीं नहीं, मेरा कहना है छोड़िए ये सब। संध्या वंदना में संध्या है और पढ़ाई में जो वेद है वेदा है। वेद से पद्मासन जो करते हैं उसमें पद्मा है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में क्या है बताओ ना? क्या है? सिर्फ शून्य। अरे यार, अपडेट हो जाओ दोस्तों। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें सन्यासी जीवन और ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, नो। अब इस मठ के अंदर राम की नो एंट्री और मेरे प्यार के लिए लाइन क्लियर हो गई। वो मिल गया डैडी। भाई, इसी ने फेसबुक में आपका वीडियो लोड किया था, कौन सा मंत्री बनाएंगे? यही है भाई, यही है जिसने आपको फेसबुक पे वीडियो डाला था। ए, भाई यही है भाई। ए, ये लोग गलत बोल रहे हैं, ये आदमी है भाई। चुप। अरे पिताजी, ये क्या कंफ्यूजन है? तू पागल है और तुमसे बड़े पागल हैं। ए सृजना, सुन रही हो ना? सर, आईपी एड्रेस से उसको ढूंढ सकते हैं। मैं उसको पकड़ के रहूंगा। डैडी, क्या हुआ? रात को वो तेरे सपने में आता है क्या? मुझे तो वो दिन में भी आता है। देश को सरकार देखती है और उसे तेरे डैडी देख लेंगे। कल तेरे डैडी को और उसके डैडी को कैसे भी करके मैं मिलवा दूंगा हैप्पी। मेरे जीजाजी क्लास हैं, उनके सामने सब फ्लॉप हैं। उन दोनों में झगड़ा होगा और मेरा उससे पीछा छूट जाएगा। भूख लगी है यार, ब्रेकफास्ट कहाँ है? प्रभुदास, गो टू क्राइंग रूम बेबी। मेरी बेटी को यही मुझसे दूर करेगा। मिस्टर सर, आई एम सर्जन। यस सर, ब्रेन सर्जन। पता है सर, तेरे दिमाग में जो प्यार का भूत घुसा है उसे अभी निकालता हूं मैं। ओके सर। अब सिर्फ मुझे ही मुझे देखता जा तू, मेरे अलावा किसी पे नजर मत रख। अब तू मेरी बेटी को भूल रहा है। भूल गया, 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 भूल गया। यस 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 यस। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। I like that auntie. Hey, Kaka. Daddy. अब तू सब कुछ भूल रहा है, तू सब कुछ भूल रहा है, तू सब कुछ भूल रहा है, 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 सब कुछ भूल गया। सब कुछ भूल गया सर। Yes, 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 yes. Slowly open your eyes. I like that fat auntie. अरे बाप। <Daddy. laughs> ये क्या हो गया? अब तेरी नजर सिर्फ मुझ पर ही होनी चाहिए।
देख रहा है, देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। यस 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 यस। स्लोली ओपन योर आईज। आई लव हैप्पी अंकल, आई लव हैप्पी। अब ये कौन है? तू तो साइकेट्रिस्ट को भी पागल कर देगा बे। अरे हेमा। अरे मैं भी तो उसी की वजह से यहाँ पर अपना इलाज करवा रहा हूँ। डॉक्टर ससुर जी, हम लोग चर्च में शादी कर लेंगे। क्यों बेटा, तेरा स्टेटस देख और मेरा स्टेटस देख। ससुर जी, आपका स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मुझे पता है। आई एम देयर, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। अंकल आप बोलो, मैं इसे खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी इसे। क्या बात है, जीरो साइज हीरोइन, तू इसको मारेगी? स्टेटस की बात कर रहे हैं, स्टेटस की। वैसे नैना, लास्ट पंच बोल। पागल फैमिली है, इनके लिए पंच वेस्ट करूं? सही कहा। हे भगवान। डैडी, प्रभुदास, गो टू क्राइंग रूम बेबी। क्या लिखा है? यूथ आइकन अभिराम। ये पापी यूथ आइकन कैसे बन गया? इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। ओके ओके, शी इज ओके, डोंट वरी। इमरजेंसी है, इसे आईसीयू में शिफ्ट करो। यस सर। आप 2 लाख काउंटर में जमा कर दीजिए, हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। कैश मेरे पति लेकर आ रहे हैं, आप प्लीज मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप डॉक्टर से बात कर लीजिए प्लीज मैम, प्लीज। बेटी, बेटी, डॉक्टर, डॉक्टर। अरे सुनिए जी, सुनिए, ये लो पैसे, ट्रीटमेंट शुरू करो। डॉक्टर देखिए ना, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करिए कुछ, कुछ करिए बेटा। हाँ ठीक है। सॉरी मैडम, आपने आने में देर कर दी। बेटा, बेटा, मेरा बच्चा। बेटी, 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 बेटी। आप लोगों ने मेरी बच्ची की जान ले ली। न्यूज़ चैनल सर, इसके इलाज का सारा खर्च मैं देता हूँ, क्या आप इसे बचा सकते हैं? मरने के बाद कोई जिंदा कैसे हो सकता है? जब ये जिंदा थी तो क्यों मार डाला? इनसे बात क्या करना सर, छोटी बच्ची थी, मीडिया आ गई, मैं उन्हें बताता हूँ। मेरी बेटी को मार डाला, हॉस्पिटल को सीज करो। आप बोलो तो हॉस्पिटल को गिरा देते हैं भाई। शौक से गिरा देना, जो बच्ची इस दुनिया से चली गई वो ऐसा करने से आ जाएगी क्या? आज इन्होंने अपनी बच्ची खोई है। इस देश में ना जाने कितने लोग हैं जो इलाज ना होने से अपनों को खो देते हैं। तो क्या करें सर? मेरे पास इसका एक सलूशन है। क्या वो दिल्ली तक पहुंच पाएगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा सर? EMI। जब हम एक बाइक खरीदते हैं तो कुछ डाउन पेमेंट करके बाकी के पैसों की EMI भरते हैं। वैसे ही घर, कार, टीवी, फ्रिज, AC, फोन, ये सारी चीजें जब आप कहीं खरीदने जाते हैं तो इनकी EMI के लिए ना जाने कितने ऑफर्स हैं। जिनमें जान नहीं है उनके लिए तो EMI है, लेकिन जिनमें जान है उनके लिए कुछ भी नहीं है। होना चाहिए। इंश्योरेंस है क्या? मेरे पास नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास? एक्सपायर हो गया है, तो अब मैं क्या करूं, जान दे दूं? एक इंसान को जन्म लेने के लिए 9 महीने लगते हैं और जान जाने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स। गलत है ये। एक इंसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल में, इस बारे में सोचता रहता है। सारे हॉस्पिटल इक्वल होने चाहिए इमरजेंसी में। पहले पेमेंट उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं, पहले ट्रीटमेंट उसके बाद पेमेंट। अगर वो रिक्शा वाला है तो 20 महीने में EMI भरेगा, और अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो 2 महीने में भरेगा। ऐसी ना जाने कितनी स्कीम्स पास हुई, तो क्या ये नहीं पास हो सकती? बचाएंगे हम, ऐसी कई सारी जिंदगियां बचाएंगे। ताजमहल बनाने वाले शाहजहां, गोलकुंड बनाने वाले कुतुबशाही राजा बड़े नहीं है, टैक्स भरने वाला हर इंसान बड़ा है। EMI कॉन्सेप्ट अच्छा है सर। राज्यसभा हो या लोकसभा, इस बात को उस जगह पर उठाएंगे सर। मीडिया पावर यूज करेंगे। आपका ये सुपर है सर।
कौन? ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या सच में इसका इतना बड़ा कैरेक्टर है? बेटी दामाद फिक्स हो गया। फिक्स हो गया? हाँ बेटी, अरे उस अभिराम ने सिर्फ हमें ही नहीं नचाया था, पूरे हॉस्पिटल को नचा दिया। मतलब कि जीजा जी फिक्स, दामाद फिक्स। ये वही आदमी है भाई। पिताजी, आपकी आंखों की कसम, उसकी आंखें बंद कर दूंगा। इस प्रिस्क्रिप्शन को तो मैंने कहीं देखा है, इस पोस्टर को मैंने कहीं देखा है। डॉक्टर, ओह, डॉक्टर ही हमारे समधी हैं। मैं आ रहा हूँ। अरे बाप रे, तो वो इसका बेटा है। समधी जी। समधी जी मत बुलाओ, सिर्फ डॉक्टर बुलाओ मुझे। एक लड़का जिसके पास करोड़ों की जायदाद थी, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा फिंगर होने की वजह से मैंने वो रिश्ता कैंसिल कर दिया। और तुम्हारे बेटे के तो दो दो ब्रेन है, मैं उसे अपनी बेटी कैसे दे दूं? अरे डॉक्टर, शिव जी की 3 आंखें थी, ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, देवी के 12 हाथ थे। जब देवी देवताओं को ये हो सकता है, तो हम इंसानों में क्या बुराई है? चुप करो तुम। आप पहले पीछे मुड़िए। आपने बेटे के 2 नाम रखे थे, तो 2 बार दहेज देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार देंगे तो चलेगा। बात को समझो, मेरी प्रॉब्लम दहेज नहीं है, ब्रेन है। ब्रेन तुम्हारे बेटे के साथ ब्रेन प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अरे बोला ना आएगी। नहीं आएगी सर, दरअसल बात यह है, अभी आपकी बेटी से प्यार करता है। अच्छा जी। और राम किसी से प्यार ही नहीं करता, तो प्रॉब्लम इसमें कहां से आने वाली है? आश्चर्य। क्या हो रहा है? आंखों के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है, और तुम कह रहे थे कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके पास 2 ब्रेन है, इसलिए एक ब्रेन मेरी बेटी को प्यार करता है, दूसरा ब्रेन दूसरी लड़की को प्यार करता है। अगर सीधे तरीके से समझने की कोशिश करो, तो एक टिकट पे 2 शो कैसे देख सकते हो? मुझे एक टिकट पर 1 शो ही बहुत है। आई रिजेक्ट हिम। इस डॉक्टर ने तो अपना फरमान सुनाकर मुझे भी परेशानी में डाल दिया है। अभी और राम की ये रासलीला पता नहीं कहां। अब हे फ्रेंड, डॉक्टर की बेटी के साथ रिश्ता तय कर दिया, कितना दहेज मिल रहा है? एंगेजमेंट फिक्स कर दिया ना? क्या कहा, उसे भी प्यार हो गया है? तुझे शौक अब लगा है? हम लोग तो कल से ही शौक में हैं। मेरी बीवी को 105 डिग्री फीवर है। बुलाओ बुलाओ, हे राम, राम को बुलाइए, बुलाइए ना उसे। किसे बुलाऊं? वो कोई पड़ोस में थोड़ी रहता है। फिर वो तुम्हारे शरीर में है। हे राम, बाहर आना, बाहर आ, बोला ना बाहर आ। हेलो, दिस इज प्रोजेक्टर ऑपरेटर स्पीकिंग। तेरी रील बदल कर उसकी रील डालूंगा तो आएगा। पिताजी। प्यारे बेटे, अब मुझे बताओगे वो लड़की कौन थी? शर्मो हया की ये मुस्कुराहट भूलकर मुझे बता, वो लड़की कौन है? उसका नाम आश्चर्या है।
आश्चर्य, नाम में ही आश्चर्य है। कैरेक्टर और भी आश्चर्य है। कार्येषु योगी, कर्णेषु दक्ष, रूपे च कृष्णा, समेतु रामा। आपके अंदर मुझे भगवान नजर आ रहे हैं। मुझे विवेकानंद जी नजर आ रहे हैं स्वामी। मुझे तो ये पकोड़े वाला नजर आ रहा है। बाप रे, क्या रे, टेंथ क्लास में मैंने तुझे आई लव यू बोला था, तूने जवाब दिया आई लव माय इंडिया। मैंने सोचा तू सुधर जाएगा, तेरा इंतजार किया। इंटर में, विंटर सीजन में मैंने प्रपोज किया तो तूने कहा दुनिया की सारी लड़कियां मेरी बहन है। फिर भी मैंने वेट किया कि कभी तो तू मेरी फीलिंग समझेगा। फर्स्ट ईयर की डिग्री मिल गई पर तू नहीं मिला। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आहा, लाइफ के सारे वैलेंटाइन तेरी वजह से बेकार हो गए। और कुछ चाहिए क्या तुझे, बता ना। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, टुमारो विल कंटिन्यू द क्लास। मम्मी, बेटा उस लड़के को कभी भी मत छोड़ना। ऐसे पप्पू लोग ही हमारे फैमिली में मैच होते हैं। वो लड़की हमेशा मुझे किस करती रहती थी और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने संन्यास लेने का फैसला किया। विजय एकादशी को आप संन्यास लेने वाले हैं? बहुत खुशी की बात है। मम्मी, मेरा राम ब्रह्मचारी बनने जा रहा है। बेटा शादी के बाद तो ब्रह्मचारी बनना ही है ना। अभी कुछ भी मत कहो तुम उससे, बाद में देख लेते हैं। मैडम, इसका बाप नहीं है ना, लाड से पाला है। आप हमेशा बोलती हैं बाप नहीं है, बाप नहीं है, गलत है। सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे मैडम। तुम्हें स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? बिना बाप की बेटी तुझे क्यों चाहिए? उसकी शहर में बियर फैक्ट्री है, अगर 10 रुपए खर्च करोगे तो 100 रुपए आएंगे। सच कह रहा है? तुम और यहाँ? मेरा बुखार ठीक हो गया। लेकिन उस अभी का प्यार? छी छी, उसे अभी भूलने में ही भलाई है। जरा यहाँ देख, तूने जिस लड़की से प्यार किया है वो वाइन शॉप की बियर बॉटल की तरह है, 110 रुपए वाली। उसने जिससे प्यार किया है वो लड़की पीकर फेंकी हुई बियर बॉटल की तरह है, जिसकी कीमत सिर्फ 2 रुपए। और ऊपर से तुम्हारी सासू माँ ग्लास लेकर शाम को आइस क्यूब डालकर बिना सोडा के ही नीट पीती है। क्या बात है, हाईली एडवांस्ड फैमिली। ये रिश्ता फिक्स। पिताजी, ये बात आप अभी को भी बता दीजिए। अभी को बताने के लिए फ्लाइट पकड़कर अमेरिका जाना होगा क्या, या शिप से श्रीलंका जाना है? वो तो तेरे अंदर ही है। वो होगा जब आउट, तो तू होगा इन। स्टार डीटीएस। उस राम ने आपको अपनी घटिया लव स्टोरी बताई या नहीं? पहले तू ये बता कि किसकी है घटिया लव स्टोरी। वर्स्ट लव स्टोरी तो तेरी है। जरा याद कर अपने ससुर की शक्ल। प्यार से बोलना तो दूर, कभी मुस्कुराता भी नहीं, हमेशा बीमार ही लगता है। एक नंबर का फंदेबाज है वो, हमेशा लोगों की टांग खींचने में लगा रहता है, बात करता है। दादी। अरे बेटा जरा इधर आ। राम की लवर कौन है पता है तुझे? हम जो बियर पीते हैं उसके फैक्ट्री के ओनर की बेटी है। सो अपने हार्ट थिएटर में से अपनी लवर की फिल्म वहां से निकाल दे और आश्चर्या की फिल्म को लगा दे। डैडी, मेरा दिल कोई सिनेमा थिएटर नहीं है जो हर वीक लड़कियां बदलता रहे। अपने प्यार को कैसे पाना है ये अभी अच्छी तरह से जानता है, उसे तो मैं बताऊंगा। राम की लवर को साईं बाबा के मंदिर में होना चाहिए, तो ये स्विमिंग पूल में क्या कर रही है? चलो चल के देखते हैं। हे राम, अभी नो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है। हैप्पी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो काम करने आए थे वो करते हैं। करेक्ट। चलो
ये कौन है? दरअसल इसने भी संन्यास लेने का फैसला किया है, इसीलिए मेरे साथ है। ये क्या राम, हमारी फेक लव स्टोरी को तुम्हारे मम्मी पापा ने पसंद कर ली? फेक लव स्टोरी मतलब? अरे राम को तो वेद पुराण सन्यासी पसंद है ना? हाँ। और इसके डैड को बच्चे बच्चियाँ फैमिली प्यार ये सब पसंद है, सो इसलिए फेक लव स्टोरी इसने सुनाई और इसके डैड मान गए। क्यों राम, सही कहा ना? राम ने मस्त प्लान किया है। हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। अगर ये सच है और तुम्हारी शादी करवा दी तो शादी से पहले यूएस चले जाएंगे। उसके एक महीने बाद मैं फोन करके सॉरी अंकल मुझे एक NRI मिल गया है तो शादी कैंसिल कर दो, फिर उसके बाद। आश्चर्य ने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ पिताजी। क्यों राम, यही प्लान है ना? या अबे तेरी तो राम, अगर तू भक्ति चैनल से ऐसा प्लान बना सकता है, मैं तो MTV से हूँ, मेरा प्लान देखना। बाय आश्चर्या, नाइस टू मीट यू। उस सन्यासी को तो मैं बताता हूँ। डैडी, बियर फैक्ट्री वाली का क्या हुआ? मैं यहाँ अपने बच्चों की एक शानदार क्रिकेट टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो वहाँ सन्यासी बनने चला है। दिखाऊंगा उसे अभी की पावर दिखाऊंगा। हे राम, शॉक देने वाला हूँ, तैयार रहना। चमक चमक छा, ऑल ट्रेवल्स अवेलेबल। बताइए आपको वन डे ट्रेवल चाहिए, डे नाइट ट्रेवल चाहिए, 7 days चाहिए, कौन सा चाहिए बताइए? कोई बात नहीं ब्रो। हाँ। मैं भी एक आदमी से इंस्पायर हूँ, उसी की तरह मैं भी अपनी जिंदगी में सब छोड़ के संन्यास लेना चाहता हूँ। 25 साल की उम्र में किसी हसीना की बजाय तुम संन्यास की बात कर रहे हो। यही तो डाइवर्जन है, उसे डाइवर्ट करके प्यार में फंसा के लड़की के साथ भेज देंगे। चमक चमक छा। हाँ। श्रुति ट्रेवल्स, कावेरी ट्रेवल्स, रमैया ट्रेवल्स, इधर देखो जरा। हाय। पैसेंजर कौन है ये बताओ? मैं हूँ। अब जरा पैसे की बात कर ले हम। हाँ। मामा जल्दी फोन उठाओ, बात करनी है। अरे ये क्या, इतनी सारी लड़कियों को लेकर वो अंदर जा रहा है। क्या कहा, लड़कियाँ? जरा उस चमक चमक ट्रैवल्स का नंबर तो भेज, मैं भी जरा उससे मिल लेता हूँ। मामा जी। ए भगवान, इस सभी ने बहुत बड़ा प्लान किया है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लड़कियों ने आज इज्जत रख ली। चमक चमक ट्रेवल्स की प्यारी लड़कियाँ, गर्ल्स। अरे मैं अपना जिस्म बेचती हूँ, आत्मा नहीं, लड़का तो भगवान है। आज के बाद मैं भीख मांगूंगी लेकिन ऐसा काम नहीं करूंगी। वो लड़का सच में भगवान है। अच्छा लड़का है वो, और तुम अच्छे लड़के को फंसा रहे तुम। वो लड़का तो साक्षात राम है। इसे नहीं, नहीं। ये तो बहुत अच्छा लड़का है। सब लड़कियों को बदल कर तुमने मुझे अकेला ट्रेवल बना दिया है, बदमाश कहीं के। अब मेरा क्या होगा? हे गूगल मैप, ब्रह्मचारी मठ का लोकेशन बताइए। इस तरफ जाना है, ठीक है। कौन है रे तू, डिलीवरी में डायनासोर की तरह घुस रहा है। मेरी दूसरी पत्नी को मुझसे दूर क्यों किया तूने? दूसरी पत्नी कौन है बे? गुंडा गर्दी मेरी पहली पत्नी थी, राजनीति मेरी दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी को दूर क्यों किया? हे, लगता है तू मेंटल हॉस्पिटल से भागा है। अबे सुन, जरा एक मिनट होल्ड करना। क्या हुआ फ्रेंड? बाय बाय। चलता हूँ।
चल अब बता, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैंने अपने डैडी को बाय बोला ना, hey, मैं उसे hey, गुड बाय क्या करेगा तू? Hey, मेरे डैडी के साथ क्या करेगा? डैडी व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजा है, अपने पिता को बचा सकता है तो बचा ले। पुराना पुल जहां पर शिव का तांडव होता है, वहां पर तेरे बाप की आज बलि चढ़ने वाली है। उसके डैडी को, साथ में उसे भी। ये भगवान, यहाँ पे ये सब होता है? अभी इतना गिर जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। ए सुन, क्या हुआ भाई? ये पूजा काफी वायलेंट है भाई, मैं चलता हूँ भाई। ए रुक, तेरे पिता को मार रहे हैं और तू यहाँ से जाने की बात कर रहा है? मेरे पिताजी को? हाँ तेरे पिता को। पिताजी, 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 पापा, 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 मेरे पापा को छोड़ दीजिए प्लीज। बाप के लिए कैसे रो रहा है? देख कैसे रो रहा है। अभी ए अभी देखना पापा को कितना मारा है, इन्होंने इन्होंने ही मारा है, देख कितना खून निकल रहा है। ए देखना ये देख, इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, मैंने, देखना, मैंने, मैंने। इसने मारा है, देख देखना अभी देख, इन्होंने ही मारा है, इन्होंने ही मारा है। ए अभी देख, इन्होंने ही मारा है। अभी छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ये क्या सृजना डार्लिंग, इससे भागना नहीं चाहिए, वो बाप इसी का है ना। दैट मीन्स आई एम द ग्रेटेस्ट सन ऑफ द वर्ल्ड। फोन रख। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो अपने डैडी को बता ना। मैं तेरा डैडी नहीं, तेरा फ्रेंड हूँ। अगर तू ऐसे रोएगा तो क्या तेरा ये फ्रेंड सह पाएगा? हेलो
पापा को कितना मार रहे हैं सब। मेरे फ्रेंड को तुमने मारा? आना, अरे मारना। बेटा, हाँ जिंदा है ये। देख भाई, आदमी चाहे जितना खतरनाक हो उससे पंगा ले लेना, लेकिन कभी भी मेरे बेटे से पंगा मत लेना, क्योंकि उसकी निगाहों में उसका बाप ही उसके लिए उसका हीरो है। फ्रेंड, लास्ट पंच सुपर्ब था। चल तो लोगे ना? चल लूंगा। आ जाओ फ्रेंड। ये इधर क्या कर रहा है? ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़कर कहीं सन्यासी तो नहीं बनने जा रहा है ना? फनी गाय। अभी? तो ये है अभी की गर्लफ्रेंड। नमस्कार। तुम नमस्कार कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? आज कौन सा दिन है पता है तुम्हें? आज का दिन विक्रम संवत के अनुसार वर्षा ऋतु दक्षिणायन श्रवण मास की सप्तमी स्वाति नक्षत्र है आज। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। बहुत बदलाव आ गया तुम्हें। शर्ट बराबर पहनी है, बटन भी सारे लगे हुए हैं, हेयर स्टाइल भी चेंज कर दी। मस्त रहने वाला लड़का आज। देखो तो जरा, फुल स्लीव्स की शर्ट, वो भी इन करके। क्या कमाल के लग रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं तो ना बोल ही नहीं सकती, और मेरे डैडी भी तुम्हें पसंद करेंगे। चलो, ये कहाँ लेके जा रही है मुझे? हर बर्थडे पर एक कॉस्टली कार या एक कॉस्टली सेलफोन मांगती थी, लेकिन इस बर्थडे पर इसने मुझसे क्या मांगा पता है? डैडी, अपने हॉस्पिटल में अगर किसी के बेटी हुई तो ट्रीटमेंट फ्री, नो बिल। ये गिफ्ट मांगा इसने और वो मैंने दे दिया। हैप्पी? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? मेरे अंदर आए हुए इस बदलाव के पीछे एक इंसान है। वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो भी नहीं। वही मेरा मोटिवेशन है, और वो इंसान है नहीं तो अभिराम। हाय। इंसान की जिंदगी रंगीन नोट नहीं है, वो अनमोल होती है। इसीलिए हम हॉस्पिटल में EMI पेमेंट ऑप्शन लॉन्च कर रहे हैं। I love you, Ram.
रहा है मैं आज ही के दिन पैदा हुई हूँ। मेरा ख्याल रखोगे ना? पूरी जिंदगी मुझे प्यार करोगे ना? एक मिनट बेटी, उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है। आप ऐसी बातें मत करो ना पापा। अगर भगवान भी आकर मुझसे ये बोले ना, तब भी इन पर से मेरा भरोसा नहीं टूटेगा। ही इज माई सोलमेट। हेलो। हाँ बोलो। अगर लड़की ने ठान लिया तो कोई भी इंसान उसे रोक नहीं सकता। सुनिए, जूस। ये इस वक्त अभी है कि राम है? अरे इसका कैसे पता लगाया जाए? जैक डोर से। इसका मतलब कि तू राम है। क्यों रे? बियर फैक्ट्री का ओनर बताकर, आश्चर्य की कहानी मुझे सुनाकर तूने मुझे अच्छी तरह से बेवकूफ बनाया। ए, दिल से कह रहा हूँ तुझसे, हमने चुना है हैप्पी को, और मेरी बहू बनेगी तो हैप्पी ही, उससे शादी मतलब मैं हैप्पी। इसीलिए पिताजी मैं भी हैप्पी से प्यार करने लगा हूँ। शायद मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जिससे प्यार करता है मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ। हम दोनों को एक ही लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए पिताजी। अरे बेटा, तुम दोनों दो हो ये किसने कहा? दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, अभी ने जिस लड़की से प्यार किया है तू भी उसी लड़की से प्यार क्यों नहीं कर लेता? भले ही तेरे पास दो ब्रेन है, पर इस शरीर में दिल तो एक ही है ना। फर्स्ट टाइम तुम्हारी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा इस वक्त तेरे दिल में जो बात है उसे अभी के ब्रेन में डाल देनी चाहिए। प्रभा, ये बताओ वो आ गया क्या? हाँ हाँ आ गया। क्यों, ट्विटर की खोज किसने की? राम गोपाल वर्मा। तेरे बड़े भाई राम ने क्या किया है पता है? हाँ? तुम्हारे पास दो ब्रेन से फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन डैडी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं पता नहीं। मैंने तुम्हारे डैडी को मना लिया है। मतलब कल हमारी इंगेजमेंट है। लेकिन कैसे मना लिया? Hypnotize. Yes. नमस्कार, बैठिए। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी तक मैं तैयार नहीं हुआ हूँ। जबरदस्ती हाँ करवाइए। यही तो सच है। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर, टॉप 10 ब्रेन सर्जन्स में आप नंबर 1 सिलेक्ट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल कॉन्ग्रेट्स। लतुर जी कैसे हैं? मुझे यहाँ देख के शॉक्ड हो गए क्या? ऑलरेडी मेरे और आपकी बेटी के बीच बहुत कुछ होने वाला है। वैसे आपने मेरे स्टेटस की वजह से शादी के लिए मना कर दिया था ना, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तेरी बेटी का रेप करके उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अपलोड यूट्यूब, समझ तो गए ही होंगे ना? मुझसे इस तरह हाँ करवाई थी इसने। मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में कोई भी ये बात ना जान पाए, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की थी। कॉलेज में गुंडे लड़के इसे परेशान ना करें, इसलिए वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन करवाया। बेटी की हिफाजत के बारे में सोचने वाले मेरे जैसे करोड़ों बाप है जिनको ऐसा डर होता है। सोचिए अगर आपकी बेटी होती और कोई आकर आपको बोलता कि मैं उसका रेप करके उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो ऐसे में आप ही सोच के बताइए कि आप क्या करते सर? मार डालता। तो अभी को मार डालते हैं सर। हाँ? मैं आपके बेटे से उसकी शादी करवाऊंगा। जो शराब पीकर बड़ों की बेइज्जती करे उस अभी से नहीं बल्कि राम से। इंसान अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकता है ये बात राम ही अभी को समझा सकता है और कोई नहीं। एक लड़के को कैसे और क्या करना चाहिए इसका बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर का राम ही है। तो बेटी राम को दूंगा, अभी को नहीं दूंगा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? अभी और राम दोनों अलग अलग नहीं है ना? अलग कर देंगे। जब ये छोटा था तो मैंने आपको कहा था ना कि 35 लाख रुपए लगेंगे,
तब आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए 35 करोड़ तक खर्च करने को तैयार हूँ। राम पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव है, अभी का ब्रेन निकाल दूंगा। आप उसे निकालने की नहीं बल्कि मारने की बात कर रहे हैं। तो फिर आप ऐसा ही समझ लीजिए, अभी के दिमाग का कोई फायदा है क्या बताइए। ये हमारे हॉस्पिटल में काम करती है, एक कंपाउंडर है, और आप बताइए अभी कौन है, एक गया गुजरा लड़का। राम के अगर बच्चे होंगे तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, वाइफ को वो वर्ल्ड टूर ले जा सकता, उसके बदले अगर अभी हुआ तो वो शेयर ऑटो में ही घुमाएगा। सर, अगर आपका बेटा अभिराम है तो मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, अगर सिर्फ राम है तो मुझे मंजूर है। अभी को मैंने पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं है। अच्छा जी, तो जरा इसे देखिए। तेरी बेटी का रेप करके उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। अपलोड यूट्यूब। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम है राम। मुहूर्त निकलवा कर हमें खबर कर दीजिएगा। डैडी। बेटी, मुझे अभी बिल्कुल पसंद नहीं, सिर्फ राम पसंद है। अगर जिंदगी में खुशहाली चाहिए तो सिर्फ राम से ही शादी करना, वही खुश रखेगा। राम सबको पसंद है, तुम्हारी शादी उससे ही होगी। चलो। काफी देर से पी रहा है तू। मुझे अपने बेटे राम की शादी का इंतजाम करना है, मुझे जाना होगा। ए राम, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्यों किया? ये सब किसी और के सामने किया होता तो मुझे कोई दुख ना होता, और तू तो मेरा अपना भाई है ना, तो ऐसा क्यों किया? आज मैं टूट गया हूं राम। क्यों? ससुर जी के साथ ये नाटक क्यों किया तूने? मतलब हॉस्पिटल पे तू? Everything is fair in love and war. बता अभी को क्यों मारना चाहता है तू? अभी को क्यों मारना चाहता है बता? बोलता क्यों नहीं? क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। बचपन से ही मैं उसे नहीं पसंद करता। स्टेट में फर्स्ट आने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, 5 एग्जाम्स मैंने पास किए, सब में मैंने 100 में से 100 लाए, लेकिन एक एग्जाम उसने दिया जिसमें मुझे 34 नंबर मिले। स्टेट में फर्स्ट आना मेरा सपना था, लेकिन उसने मेरा सपना तोड़ दिया। इंटरमीडिएट के टॉप 10 रैंक में मैं भी एक रैंक पाना चाहता था। आप तो जानते हैं ना मुझे कौन सी रैंक मिली। मेरा ये सपना भी उसकी वजह से चूर चूर हो गया। मुझे रोना आता था, लेकिन मैं अपना दर्द किसे बताता। वो मेरी लाइफ में ना आए, इसके लिए मैंने कितनी कोशिशें की। हर शनिवार मैं मंदिर जाने को सोचता था, लेकिन वो मुझे लड़कियों के बीच पब ले जाता था। मुझे सिगरेट दारू वालों से बिल्कुल नफरत है, लेकिन वो मुझे उसे जान से मार देने का मन करता है। और वो है कि वो ये सब मुझसे रोज करवाता है, और इन सब के पीछे आपकी गलती है। आपने उसे कभी मना ही नहीं किया,
वो तो मुझे गंदी गलियों में भी ले गया, गंदी गलियों में। मैं तो एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, सबका भला करना चाहता था, सबको रोजगार देना चाहता था, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं चाहता था मेरी कंपनी का पूरी दुनिया में नाम हो, हजारों लाखों लोग उसमें काम करें, लोग मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदें, मेरी भी कंपनी के शेयर्स बिके। मैं तो शेयर ब्रोकर बन के रह गया, शेयर ब्रोकर। ये भगवान सबकी किस्मत यहां लिखते हैं, लेकिन मेरी दिमाग में क्यों लिख दी, क्यों लिख दी? एक रीजन बताइए जिससे मैं अभी को प्यार करूं। वो मेरे अंदर वायरस की तरह है और मैं हमेशा उसका एक्स्ट्रा लगेज उठाता रहता हूं। वो स्क्रैप है पापा, इसलिए उसका मरना सही होगा। ये गलती आपकी है, सिर्फ आपकी। बचपन में ही आपको वो चाहिए कि मैं डिसाइड करना चाहिए था। दोनों को रखने के बारे में सोच के आपने गलती कर दी। अभी भी निर्णय आपका ही है, आपको मैं चाहिए या फिर अभी चाहिए। मुझे जिंदा रहना या फिर अभी को जिंदा रहना। आप कुछ भी बोलिए, कितना भी बोलिए, अभी राम एक नहीं हो सकते, वो अलग है, मैं अलग हूं, और हम कभी भी एक साथ मिलके नहीं रह सकते। अब निर्णय आपके हाथों में है। बेटा तू बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना, तेरा नाम सबकी जुबान पर होना चाहिए, ऐसा कुछ करना जिससे लोगों का भला हो, ठीक है ना? ठीक है मम्मा। तू मेरा साया है, मैं तेरी छाया हूँ, कैसे हम हो जाएं जुदा। तू मेरा जज्बा है, मैं तेरी हिम्मत हूँ, कैसे हम हो जाएं जुदा। मैं क्यों नहीं तेरी तरह, है ना पसंद सबको क्या मेरा, दिल पूछे हर पल मुझसे मेरा, ना है पता मेरी क्या है खता। मैं एक वर्ल्ड क्लास ब्रेन सर्जन हूँ, मेरी फीस डॉलर्स में होती है, आफ्टर मैरिज सर्जरी करके अभी को कट कर देंगे, ओके? वो मेरे अंदर वायरस की तरह है और मैं हमेशा उसका एक्स्ट्रा लगेज उठाता रहता हूँ। वो स्क्रैप है पापा। डैडी मुझे बैटिंग बहुत पसंद है। मुझे अच्छी तरह पता है, तू एक दिन बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर जैसा बनेगा। तू मेरा साया है, मैं तेरी छाया हूँ, कैसे हम हो जाएं जुदा। तू मेरा जज्बा है, मैं तेरी हिम्मत हूँ, कैसे हम हो जाएं जुदा। हम संग हुए, एक जा दो अंग हुए, माँ के पापा के हम दोनों लाडले हुए। पापा का प्यार मिला, माँ का दुलार मिला, अब क्यों सबको वैसी नफरत मुझसे हुई। मैं खुद ही खुद का दुश्मन बना, समझे कौन मजबूरी मेरी, ये दुनिया मुझको
को समझेगे क्यों जब अपने समझे ही ना बेटा। क्या डैडी, मरने से पहले आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं क्या? 25 साल से वो मेरी वजह से तकलीफें सह रहा है। वो बहुत ग्रेट है डैडी, वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, वो साइंटिस्ट है डैडी, लेकिन मैं स्क्रैप हूं डैडी, सिर्फ स्क्रैप। मेरी वजह से राम की लाइफ खराब हो गई, मुझे मार ही देना चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। डैडी, शायद बाद में मुझे कभी मौका ना मिले, मुझे आज आपकी गोद में सर रख के सोना है डैडी। जीना चाहता हूं डैडी। मैं जीना चाहता था डैडी, ये बात आप राम को मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बहुत दुख होगा उसे। हालेलुया, समस्त ईश्वर की महिमा छत्र छाया में मेरे यीशु के सामने हाजिर है, आमीन। आप इस शादी के लिए राजी हैं? हाँ राजी हैं। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। अरे भाई तुम लोग कौन हो? प्रभुदास जी, आपके दामाद ने मेरे असेंबली में जाने के ड्रीम का एबॉर्शन कर दिया, मुझे नगर बहिष्कार कर दिया गया, सो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना? अरे बाप रे! अरे बाप रे, ये क्या हो गया? खून निकल रहा है, पर कैसे? सिटी में चेहरा दिखाऊंगा तो अरेस्ट कर लेंगे, इसीलिए ये मास्क लगाकर घूम रहा हूँ। अरे दामाद जी, कुछ तो कीजिए। hey, मेरी फैमिली को अगर हाथ लगाए ना, आई विल कंप्लेन टू द कंट्रोल रूम। क्या बोला बे? कंट्रोल रूम बोल रहा है? इसी पप्पू के बारे में फेंक रहे थे क्या? ये ऐसा मारता है, वैसा मारता है। वो मैं नहीं, वो अभी है मेरा भाई। वो मेरी ताकत है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने आपसे पूछा था ना कि उसके जीने के लिए एक वजह बताइए, एक नहीं 100 वजह है। अभी की शरारत मुझे पसंद है, लेकिन राम जो काम करता है वो मुझे पसंद है। अगर तुम राम हो तो राम, और अगर अभी हो तो अभी, पर मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मेरे दिल ने तुम्हारे अंदर के दो इंसानों को कभी अलग नहीं समझा। मुझे समझ आ गया पापा, अभी के बिना राम कुछ नहीं, और राम के बिना अभी कुछ नहीं। राम ग्रेट है तो अभी भी ग्रेट है, नहीं तो राम भी कुछ नहीं। अभी इज इक्वल टू राम। उसकी वजह से मेरा करियर खराब हो गया, तो मेरी वजह से उसका भी करियर खराब हुआ है पिताजी। मेरी वजह से आपकी जान को खतरा हुआ, और उसकी वजह से आज हम दोनों जिंदा हैं। वो भला किसी की जान क्यों लेगा? अगर अभी राम मिल गए ना, तो मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा।
अगर अभी राम मिल गए ना तो मेरे माँ बाप भी खुश रहेंगे। और हाँ पापा, वो यहाँ नहीं पता चलता लेकिन यहाँ जरूर पता चलता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सब समझ आ गया है कि हमारा अभी कैसा है। अंकल को भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने उसे फोन करके बुला लिया। अरे बाप रे, तुमने बुला लिया उसे? हाँ अंकल। सच में? फिर अभी को रहना चाहिए कि नहीं, वो डिसीजन आपका होगा। अभी को रहना चाहिए, अभी को रहना चाहिए, अभी को रहना चाहिए। बुक माय शो पे मैंने टिकट बुक नहीं किया तुम्हारी इस फैमिली फिल्म को देखने के लिए। असली अभी कौन है, कहाँ रहता है वो? म्यूजिक बजाएंगे तो फटाक से आ जाएगा वो यहाँ। ऐसा क्या, मैं खुद एआर रहमान का फैन हूँ, म्यूजिक बजाता बस अ गैंग। Fasak, क्या बात है, मेरा दामाद आ गया। Allah.